हेलो भाई, सब्जी इतनी महंगी, किसान आदमी कैसे खाएगा सब्जी? और किसान तो छोड़ो, मजदूर कैसे खाएगा? भूखा मर जाएगा। टमाटर 200 रुपया किलो है, तोरी 60 रुपया किलो, भाई मर गए। और ये बिचौलिया देखो, 18 साल हो गए पैसे दिए और बिहार का नाम ना लेता। जिस दिन मेरे हाथ लग गया उसे बताई दूंगा मैं, हाँ छोटू ना हूं। ये लो पिताजी चाय। अरे पिताजी, क्या सोचने लगे सुबह सुबह बेटी निशा, मैं तेरे ब्याह के बारे में सोच रहा हूँ। तेरा ब्याह जल्दी से हो जाए तो बढ़िया रहे। तुम? ऐसे कैसे हो जाएगा पिताजी? ब्याह ब्याह के लिए एक बढ़िया सा छोरा भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। अरे बेटा, छोरा तो मैंने बचपन में ढूंढ लिया तेरे लिए, हाँ, मगर वो मेरा ससुरा ब्याह के लिए राजी ना होता। अच्छा पिताजी, छोरा बचपन में ढूंढ लिया था तुमने और मुझे अभी तक बताया भी नहीं। वैसे कौन है वो छोरा? अरे वो है ना गोलू, जिसे तू बचपन में परेशान करती रही, उसी की गलती तेरा रिश्ता तय किया है मैंने। ये काम तो तुमने एकदम बढ़िया किया पिताजी। चलो उसके घर चलते हैं और ब्याह की बात कर लेते हैं। अरे बेटा, उसके घर जाने का कोई फायदा ना। उसका बाप तो राजी है ब्याह को, मगर वो भोलू राजी ना ब्याह को। भोलू? ये भोलू कौन है पिताजी? तुमने मेरा ब्याह गोलू के साथ पक्का किया था ना? हाँ बेटा निशा, ब्याह तो मैंने तेरा गोलू के साथ ही पक्का किया। पर पिताजी, अभी तो तुमने भोलू बोला है। अरे बेटा, वो गोलू ही है मेरा ससुरा, जल्दी जल्दी में गोलू का भोलू हो जा। अच्छा तो ये बात है पिताजी, हम दोनों कुछ करते हैं ना उसे राजी करने के लिए? तो फिर बेटा निशा, एक काम करते हैं, उस मेरे ससुरे को किडनैप कर लेते हैं। अगर पुलिस में रिपोर्ट कर दी उसने तो फिर क्या करेंगे हम? बात तो तू ठीक कह रही है बेटा निशा, और तुझे पता है पुलिस वाले तगड़ा प्रसाद देते हैं। तो फिर एक काम करती हूँ पिताजी, पहले मैं उसके घर जाकर देख कर आती हूँ, फिर उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। ठीक है बेटा निशा, तू देख या, मगर मेरे ससुरे को ढंग से देखिए। ठीक है पिताजी, तुम चिंता मत करो। माजी राम राम। राम राम बेटी निशा, और बता घर में सब ठीक ठाक? हाँ माजी, घर में तो सब एकदम बढ़िया है। तुम बताओ कैसी हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ बेटी निशा। माजी तुम इतना काम क्यों करती हो सुबह सुबह? अरे मैं ना करूंगी बेटी निशा, तो और कौन करेगा काम? वे बाप बेटा तो दोनों कुछ करते ना बेटी निशा, अब बता कौन करेगा? माजी तुम गोलू का ब्याह कर लो, फिर तुम्हें ये काम नहीं करना पड़ेगा। अरे बेटी, ब्याह तो जब करूंगी ना, जब वो करवाने को तैयार होगा। वो तो ब्याह के नाम से कोस से दूर भाग जा कूद के। माजी कहीं उसका किसी लड़की के साथ चक्कर तो नहीं है? ना बेटी निशा, मेरा बेटा ऐसा ना, अगर ऐसी कोई बात होती तो मेरे से जरूर बताता हूँ। पर माजी आपका गोलू है कहाँ? दिखाई तो नहीं दे रहा है। अरे हम तो यही है, तू बता तू क्या करेगी हमें देख के? क्यों तुझे देख नहीं सकते हैं? इतना भी हक नहीं है क्या मेरा? अरे मैं कोई तेरे बाप के लिए हुई जमीन थोड़ी हूँ जो तू मुझ पे अपना हक जता रही है। देख रहे हो माँ जी, आपका गोलू कैसे बात कर रहा है मेरे से? अरे माँ जी को बाद में दिखाइए तू, पहले यहाँ से 9-2-11 हो ले जल्दी ते। अरे लिकड़ यहाँ ते। मैं तो नहीं जा रही, पता क्या करेगा? अरे तुझे छोरी से बात करने की तमीज ना है क्या? अरे माँ तू इसे नहीं जानती है, 1 मिनट में पागल कर देगी तुझे। अरे तू मुझे मत बता, मुझे सब पता है कौन क्या कर सकता है। अरे माँ तू मेरी बात समझ नहीं रही है, ये छोरी जादू टोना भी जानती है, अगर तेरे पे जादू टोना कर दिया ना तू तो गई काम ते। अरे तू क्यों मुझे डरा रहा? यू कोई जादू टोना वाली ना है, ये तो शिवराज की छोरी है। अरे माँ वो तो मुझे भी पता है ये शिवराज की छोरी है, पर ये जादू टोना सीख के आई है बंगाल से। बेटा गोलू यू कुछ भी सीख के आई हो, जो भी करेगी तेरे ऊपर करेगी। अरे तुम माँ बेटी के बात करने लग रहे हो, मुझे भी तो बता दो। अरे हम क्यों बताए कि हम तेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। अच्छा तब माँ बेटे मेरे बारे में ही बात कर रहे हो, वैसे बताओ तो मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो? बेटी निशा यू नू कह रहा है तू जादू टोना सीख गई है, और वो जादू टोना तू मेरे पर करेगी। सबको अपनी तरह ही समझ रहा है बिल्कुल। अरे मैंने किस पे जादू टोना कर दिया? अगर मुझे जादू टोना आता होता ना तो सारे गांव का पैसा लूट लेता अब तक मैं। हल्के में ले रही है के? टाइम आने दे, सब कुछ बता दूंगी तुझे अच्छे से। अरे तू जाके अपना काम धंधा देख, क्यों मेरा दिमाग खराब करने लग रही है तू?
अरे मैं कहां तेरे से दिमाग मार रही हूँ, मैं तो माँ जी से मिलने आई थी। अब मिलनी माँ जी से तो, अब जल्दी से यहाँ से निकल। अरे निकलना है? हाँ जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे से बात करने की। बताओ कितना घमंड दिखा रही है छोरी, ऐसा लग रहा है यू घर इसी का ही है, हम तो यहाँ किराएदार बस रहे हैं। ऐसी छोरी से ब्याह पक्का मत करती है मेरा। सुनीता, अरे ओ सुनीता, यो भी एक पैर की ना सुनती है। क्यों सुबेरी सुबेरी मुर्गे की तरह बांग दे रहे हो, बताओ क्या काम है? अच्छा मतलब हमने अब तुझे आवाज दे दी तो हम मुर्गे हो गए। अब तुम बताओगे भी क्या काम है या मुर्गी मुर्गा ही करते रहोगे? अरे भगवान मैं तो यूं कह रहा हूँ, सुबह हो गई है, कुछ चाय वाय हमें भी पिला दे तो दिन हमारा भी शुरू हो जा। चलो ठीक है ला रही हूँ। चलो कम से कम चाय तो लेन गई। लो चाय। क्या बात है, बहुत गुस्से में लग रही, तबीयत पानी तो ठीक है तेरी? तब मेरी चिंता मत करो, मुझे नहीं होने वाला कुछ भी। अच्छा चलो बता क्या कहना चाहती है तू? मैं नू कह रही हूँ गोलू का ब्याह कर लो। हाँ कर देते हैं, पर एक बात तो बता तन्ने उसके लिए कोई छोरी देख रखी है? देख फिर करे उल्टी बात। अरे बिचौलिया तुम हो, तुम देखो उसकी नहीं छोरी, मैंने कहा से देख ली उसकी नहीं छोरी? अरे मैंने तो उसके लिए बचपन से ही छोरी देख रखी है, और तुझे पता है मैंने तो उसका ब्याह भी पक्का कर दिया है। ब्याह भी पक्का कर दिया? और तुमने मुझे तो बताई ना। बता तो रहा हूँ और कैसे बताऊ। तुम सारी बात खत्म करो, मुझे नो बताओ छोरी कौन है। अरे वो है ना शिवराज, उसकी छोरी नीचा की गैल, गोलू का रिश्ता मैंने बचपन में तय कर दिया था। गोलू का ब्याह बचपन में तय कर दिया और मुझे आज पता चल रही है? अरे भगवान तुझे तो पता भी चल गया पर गोलू को तो अभी तक भी नहीं पता है। गोलू को ना बताइयो बात, फिर तो हो लिया ब्याह। अरे तू देखती जा, ब्याह भी होगा और बारात भी जाएगी और तू मेरी गैल नाचेगी भी। राम राम शिवराज भाई। अरे राम राम भाई। ओ ठीक हो तुम? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू नजर ना रहा आजकल कहाँ रहे? तुम्हें तो पता शिवराज भाई इस गांव में मैं एकला बिचौलिया हूँ और मुझे सबके रिश्ते करवाने पड़े हैं, इसलिए टाइम नहीं मिलता। तू सबके रिश्ते करवा रहा राम प्रसाद, पर हमारी बेटी का ना करवा रहा। मैं तो ब्याह करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मगर के करूँ मेरा ससुरा या छोरा ब्याह के लिए तैयार ही ना हो रहा। देख भाई मुझे कुछ ना पता, हमारी बेटी का ब्याह करवा दे जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैंने तुझे ब्याह का कमीशन दे रखा। ठीक है भाई मैं गोलू से दोबारा बात करूंगा। तुझे जिससे बात करनी है कर ले, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अभी तो मैं किसी काम से शंकरपुर जा रहा हूँ, आके बात करूंगा उससे। मैं तेरा इंतजार करूंगा, जो भी करिए जल्दी करिए, और सुन ले मेरी बात, मैं अपने पैसे का ब्याज लगाना स्टार्ट कर दूंगा। तुम परेशान मत हो, थारी छोरी का ब्याह गोलू के गैल ही होगा, यो वादा है मेरा तुमसे। चल भाई तेरे वादे को भी देखते हैं कब पूरा करेगा तू। ठीक है भाई फिर मिलते हैं जल्दी। राम राम। राम राम भाई। भाई कहाँ चल दे तड़की तड़क तैयार हो गए? अरे माँ एक बहुत बढ़िया रिश्ता आया है, उसे पक्का करने जा रहा हूँ। रिश्ता कराने जा रहा? अरे तूने भी अपने पिताजी वाला काम शुरू कर दिया क्या? हाँ पिताजी तो मेरे बड़ा सुनार का काम करते हैं ना, जो मैं उनका काम सीख लूँ। अरे अभी तूने तो बोला कि मैं रिश्ता कराने जा रहा हूँ। अरे माँ मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मैं तो देखना चाह रहा था तू क्या कहेगी। अरे मैं क्या कहूंगी, मैं तो तेरे से कह रही हूँ तू अपने पिताजी वाला काम सीख ले। अरे माँ क्यों तू सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर रही है, जाने देना मुझे। अरे मैं क्या तुझे रोक रही हूँ जाने से, मैं तो तेरे से पूछ रही हूँ कहाँ जा रहा है। अरे माँ मैं किसी बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, मैं आके बताऊंगा। अरे तू अभी से बता दे, अभी बताने में क्या बिगड़ रहा तेरा? अरे माँ तू भी ना एक बात को पकड़ लेती है ना, फिर उसके पीछे घूमती रहती है, छोड़ती नहीं है फिर वो बात को। अब तू बता रहा कहाँ जा रहा है, बकवास करता रहेगा खड़ा खड़ा। मतलब जान के ही रहेगी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाँ जान के ही रहूंगी। तो फिर सुन मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ आज। घर छोड़ के जा रहा? अरे क्या खराब भी है इस घर में, इतना बढ़िया तो बना रखा मैंने तेरनिया, फिर क्यों जा रहा छोड़ के? अरे माँ तुझे नहीं पता मैं इस घर में कितना परेशान हूँ।
रिश्ता राम प्रसाद करवाता है और मेरे ससुरे वसूली के लिए मुझे उठा के ले जावे। ना लायक, अपने बाप का नाम ले रहा, शर्म तो आ रही ना होगी तुझे? अरे शर्म तो उन्हें भी नहीं लग रही, क्या जरूरत है बिचौलिया का काम करने की? सब मुझे बिचौलिया का बेटा कहवे। बेटा गोलू, काम कोई बुरा नहीं होता, तेरी समझ में ही ना आती बात। अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया कि कोई काम बुरा नहीं होता, अब जाऊं मैं यहाँ से? अरे जा, मैंने कब रोक रखा तू, बेकार में मेरा मूड खराब कर दिया सवेर से, अब तक 3-4 काम कर लेती, जा। बताओ जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सुनीता, अरे ओ सुनीता, अरे कहाँ रह गई भाग्यवान? यूरे, ऐसा कैप आ गया तो मैं रुक के मचाते आ रहे हो? पहले एक गिलास पानी लिया, फिर बताऊंगा कैप आ गया। ठीक है ला रही हूँ, ये लो पानी। अरे खड़ी क्यों है, बैठ जा। ये ले सुनीता बर्फी खा, आज मैं तेरे लिए बर्फी लेकर आया हूँ। क्या बात है, आज बर्फी किस खुशी में लाए थे? आज मैंने ऐसा रिश्ता कराया है, तू सुनेगी ना तो पागल हो जाएगी एकदम। ऐसे के तुमने अंबानी के छोरे का रिश्ता पक्का करवा दिया? अरे अंबानी तो नहीं है, पर अंबानी से कम भी नहीं। अच्छा जी, फिर तो तुम्हें कमीशन भी बड़ी अच्छी मिली होगी। पूरे 10,000 रुपए मिले हैं सुनीता, इसलिए तो बर्फी लेकर आया हूँ तेरे लिए। बर्फी तो ठीक है, पर वे 10,000 रुपए कहाँ हैं? मुझे भी तो दिखाओ जरा। अरे पैसे भी दिखा दूंगा तुझे, तू पहले बर्फी तो खा। पता नहीं क्यों बर्फी खाने में मुझे थोड़ा सा डर लग रहा। डर लग रहा? बर्फी खाने में कैसा डर लग रहा तुझे? मैं कोई चोरी करके थोड़ी लाया हूँ, बकायदा पैसे देकर आया हूँ हलवाई को। मुझे हलवाई से डर ना लग रहा। फिर किसका डर लग रहा तुझे? अरे कराए रिश्ते से डर लगा है मुझे, क्योंकि मेरा रिश्ता टिकता ही ना, कभी छोरा बगजार कभी छोरी बगजा। तुझे पता नहीं है सुनीता, इस पूरे बागपत में मुझसे बढ़िया बिचौलिया तुझे ढूंढने से नहीं मिलेगा। वो तो मुझे सब पता है, तुम कितने बढ़िया बिचौलिया हो। तू मेरी तारीफ कर रही है, मुझे ताना मार रही है? अरे मैं तुम्हें ताने ना मार रही हूँ, मैं तो तुम्हें बता रही हूँ तुम कितने बढ़िया बिचौलिया हो। बस बस, तू मेरी ज्यादा तारीफ मत करे, मुझे पता तू क्या कहना चाह रही है। जब तुम्हें पता मैं क्या चाह रही हूँ तो फिर देते क्यों ना हो? ये ले पैसे सुनीता। अगर ऐसा रिश्ता रोज मिले तो मौज ना आ जाए हमारे। पर तेरे छोरे को तो ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तुम कहां उसकी बात, तुम आ जा, बालक बुद्धि है उसे बड़ा पता दुनियादारी का। पर है कहां आज, दिखाई नहीं दे रहा। हांड रहा होगा कहीं, उसका पैर टिके है इस घर में। हाँ बात तो तू ठीक कह रही है, उसके पैर नहीं टिकते घर पे। मैं तो तुमसे कह रही हूँ उसे भी तुम यही काम सिखा दो। वो बड़ा कर रहा है इस काम को, उसे तो घूमने को दे दो और 3 टाइम खाने को दे दो। अरे तुम उसे छोड़ दो, ले एक पीस बर्फी का खाओ, पकड़ो। हाँ हाँ भाई, बन जाएगी बात। अरे बिहार में भी बुलाएंगे, तू चिंता मत मान। हाँ हाँ ठीक है। अरे रुक जा, अरे तो रिश्तेदार जा रहा दिखे भाई, यासु ब्याह की बात आज यही करूंगा मैं। और रिश्तेदार, अरे रुकिए, अरे रुक जा। अरे के बात है, कैसे टक्कर मार रहा है, पीली है क्या सुबह सुबह? अरे सुबह सुबह ना पीता रिश्तेदार, शाम को लगा लूं एक दोपहर। फिर टक्कर कैसे मार रहा है तू, टक्कर आ रहे है तुझे या दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे सब चीज खराब हो सके, मेरा दिमाग खराब ना हो सके, क्योंकि मैंने दिमाग बढ़िया वाला लगवा रखा है। मारो साड़े का तो कहते हैं भी। पहले तो मुझे 2 बात बता, पहली तो ये बात कि मैं तेरा रिश्तेदार कहाँ से हो गया, और दूसरी ये बात कि तू अपना दिमाग बढ़िया वाला लगवा, या कंपनी का लगवा ले या मेरे ससुरे उस कुत्ते का लगवा ले, मेरा क्या लेना देना है इस बात से? अरे रिश्तेदार मैं तुझे सब बता दूंगा, तू एक बार अंदर को आ। अंदर को? अरे कहाँ अंदर को आऊं, मैं ना जाता अंदर वंदर। मेरा मतलब है रिश्तेदार, नू तो दरवाजे पर खड़ा हुआ अच्छा ना लगे। अरे अंदर चल, कुछ चाय पानी, कुछ बात करेंगे रिश्ते की। सुन भाई बाबड़ी पूछ, बिचौलिए का काम मेरे पिताजी करते हैं, ना कि मैं, तो तू अपने ये रिश्ते की बात ना पिताजी से करिए। ठीक है रिश्तेदार, ब्याह की बात हम तेरे बाप से कर लेंगे, तू ये कप चाय तो पी ले। अरे मुझे नहीं तेरी चाय वाय, तू अपनी ये चाय किसी और को पिला और रस्ते में से हट। देख भाई रिश्तेदार, बेगर चाय पिए तुझे मैं यहाँ से जान ना दूं, चाहे बुरा मान या भला मान। अरे जाने कैसे नहीं देगा, यू गली तेरे बाप ने बनवाई है, हट जा बड़े को। अरे रिश्तेदार तू नू ही समझ ले, यू गली मेरे बाप ने बनवाई है, अब तू नू बता
कि चाय पी के जाएगा या नहीं। अरे यार ये अच्छी जबरदस्ती है, जब मैं कह रहा हूँ तो नहीं पीनी है चाय, जबरदस्ती पिलाएगा के रिश्तेदार? चाय तो पिला के ही भेजेंगे। हाँ अरे यू के कर रहा है, तो छोड़ दे, मारो साड़ेगा मुक्का। अरे बेटा निशा जल्दी यार, रिश्तेदार पकड़ लिया। छोड़। अरे बेटा देखा रही है, पकड़ से दबोच। अरे पिताजी तुम कहाँ से पकड़ के ले आए इसे? मैंने यू ससुर ही दबोच लियो। अरे तुम बाप बेटी पागल हो गए हो के? छोड़े यार मुझे। अरे छोड़ कैसे देंगे, तुझे चाय पिला के भेजेंगे बाहर घर की। अरे यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊ, मैं चाय पीता ही नहीं हूँ। तो कोई बात नहीं, तू पेप्सी पी ले और घर तो चल। अरे मुझे चाय पेप्सी दूध पानी कुचड़ी पीना यार, जाने दो मुझे। पिताजी ये ऐसे नहीं मानेगा, तुम इसे उठा के मेरे गोद में दे दो। हाँ ले ले ले। गिरेगी क्या मुझे? चिंता मत कर तू, हम तुझे गिरने नहीं देंगे। वो देखो तो अपने को रहा है। अच्छा हमें पागल बना रहा है, पिताजी उठा लो। अरे चलो मैं पुलिस को फोन करता हूँ। आज तो बाल बाल बच गए भाई, वरना वो लोग मार मार के बुरा हालत कर देते। अरे पिताजी मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती, तब ये उल्टे सीधे काम करते क्यों हो? अरे किसने कहा मैं उल्टे सीधे काम करता हूँ? मैं तो लोगों के ब्याह करवाता हूँ। अगर मैंने लोगों के ब्याह करवाने बंद कर दिए तो इस गांव के आधे छोरे कुंवारे ही रह जाएंगे। अगर यू काम इतना बढ़िया होता तो फिर तुम्हें लोग मारने और पकड़ने क्यों भागते हैं? अरे कभी कभी एक दो केस उल्टे सीधे हो जाए इसलिए, नहीं तो पूरे बागपत में मुझसे बढ़िया कोई बिचौलिया ना। एक दो केस उल्टा? मुझे तो थारे सारे के सारे केस उल्टे लगते। अरे किसके केस उल्टे हो गए? और तुम दोनों इतने हाफ क्यों रहे हो, के बात होगी? अरे माँ तू पूछे मत ना, इनने आज भजवा दिया होता लट मेरे पे वो तो भाग लिया मैं खेतों खेतों। पिताजी के पीछे तो सांड बढ़ गए थे, उनसे जान बचाने के चक्कर में पिताजी के पसीने छूट गए। अरे इधर देख रे, मेरे पीछे पड़ गए थे या तेरे पीछे सांड पड़ गए थे? अरे किसके पीछे भाग रहे थे ये तुम सब छोड़ दो, पर तुम नो बताओ थारे सांड ने टक्कर तो ना मारे? नहीं माँ बस बच गए, अगर वो सांड हमें पकड़ लेते ना फिर नहीं छोड़ते वो हमें। अरे बेटा ये तो बहुत बढ़िया बात है, थारे चोट न लगी, तुम बच के रह करो। अरे माँ ये बात तू इन्हें समझा, मुझे नहीं। अरे इसे क्या हो गया जो इतने गुस्से में हो रहा है? हुआ कुछ नहीं, बस सांड से डर गया थोड़ा सा। घने बड़े बड़े सांड थे के? बहुत बड़े बड़े सांड थे, पता नहीं कहां से आ गए मेरे ससुरे।